तुम मेरा एक काम करोगे, मुझे एक जगह ले चलोगे। बिल्कुल, मगर कहाँ? बताती हूँ, चलो। आपका जो दिल चाहता है वो आप कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी बेटी घर से भागी है। और ये पता कर लीजिएगा कि उसकी किस किस से दोस्ती है। मेरा बेटा बेकसूर है। गुड, ये हुई ना बात। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, इसी तरह गमों की भूख को भी मिटा देना चाहिए। हम बांटने से कम होते हैं बेटा, अपने दिल की बात किसी से कहते नहीं चाहिए। चुप कर जाओ बेटा। आइए आंटी। जी बस आ रहा हूँ, 1 घंटे में काम हो गया है, बिल्कुल आ रहा हूँ। तुम कब से यही कहे जा रहे हो? वैसे असूलन तो आज तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। टिम्मी कब से शोर मचा रही है, वो बहुत नाराज है तुमसे। तो करने दे उसे शोर, आके संभाल लूंगा मैं इसको। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे आंटी आप वहां रुक क्यों गई? आइए ना। जब वो कुछ बता नहीं रही, चुप का रोजा नहीं तोड़ रही, तो फिर चलता करो उसे। मगर कहां? आपका मतलब है घर से निकाल दे? बिल्कुल गलती हुई, खामखा उसे घर के अंदर ले आए। लड़की जात है भाई साहब, इस तरह सड़क पर भी तो नहीं फेंक सकते ना। तो भाई उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ आते हैं, आगे उनका हेडेक है। वो उसे दारुल अमान छोड़कर आते हैं या उसके वारिसों को तलाश करते हैं। तो हमारे इस लड़की से ताल्लुक ही क्या है? ताल्लुक? आपका मुझसे क्या ताल्लुक था? आपने मुझे भी तो बना दी, क्या ताल्लुक है आपका और मेरा? तुम्हारी बात और है शबनम, तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, जो था वो सब कुछ बता दिया। अब ये लड़की, ये कौन है, कहां से आई है, इसके साथ हुआ क्या है, हम कुछ भी तो नहीं जानते ना। तो फिर अगर हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? देखें भाई साहब, फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं कि उस पर रहम करें। मैं उससे बात करूंगी, उसे कहूंगी कि अगर उसने हमें कुछ ना बताया तो उसे यहां से जाना होगा। ना कह दो उसे कि वो यहां से चली जाए, या फिर अगर उसे पनाह चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हकीकत बयान करे। जी ठीक है। आंटी मेरा ख्याल है कि वो लड़का कमाल सच कह रहा है। उसे फरा के बारे में वाकई कोई खबर नहीं है। और तुम? मैं? क्या मतलब? क्या खबर है तुम्हें? मैं समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? वो जो बार बार तुम्हारे फोन पे कॉलें आ रही थी, सच सच बताओ फरा को कहां छुपाया है तुमने?
मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त अपने हवास में नहीं हैं। एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात, वो भी राह चलते। और तुम फरा के पीछे यहां घर तक आ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट का तो सिर्फ एक बहाना था, मामला कुछ और ही है ना? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों ने मिलके कमाल को शामिल करके ये ड्रामा रचाया है। मैं आपको पहले भी कह चुका कि शायद आप इस वक्त अपने हवासों में नहीं हैं, वरना इतनी उल्टी सीधी बातें नहीं करती आप। आपका कहने का मतलब है कि मैंने खुद फराह को अगवा किया और आपके सामने आ गया? इतना अहमक नहीं हूं मैं। यही तो होशियारी है, ताकि तुम पर किसी को शक ही ना पड़े। अच्छा, अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो अभी बुला लीजिए, मैं यही इंतजार करता हूँ। और अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए मेरे घर जाके देखना चाहती हैं तो वो भी मैं लिए चलता हूँ, मगर मेरी एक बात का बुरा मत मनाइएगा, जिस तरह का आपका रवैया है हर इंसान आपसे दूरी भागना चाहेगा। जा सकते हो तुम, मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, ढूंढ लूंगी। तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है मैंने। अगर पहले घुमा दिया हो तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मुझे सिर्फ एक कॉल कर दीजिएगा, मैं खुद मिलने चला आऊंगा। वैसे मेरी एक सिंसियर एडवाइस है आपको, अपने रिश्तों पर एतबार करना सीखिए, इससे आपके अपने रिश्ते मजबूत होंगे। देखो बेटा, जब मैं इस घर में आई थी तो बिल्कुल बेआसरा थी, कोई नहीं था मेरा। फिर मुझे यूनुस भाई ने सहारा दिया, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखा, पूरा घर मेरे हवाले, कोई रोक टोक भी नहीं करते। ये सिर्फ इसलिए कि मैंने उनसे कोई छूट नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया। अगर मैं उनसे झूठ बोलती तो वो कभी ऐसा ना करते, इसलिए मैं तुमसे कह रही, तुम सच सच बता दो कि बात क्या है, क्या बीती है तुम्हारी, किससे छुप रही हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मगर दूसरी सूरत में तुम्हें इस घर से जाना होगा। और भाई साहब ने साफ साफ कह दिया, वो तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर वो जाने और उनका काम। पुलिस? हाँ पुलिस, अगर कोई तुम्हारा वारिस नहीं तो वो तुम्हें दारुल अमान भेज देगी। नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, आप मुझे जाने दें। कहाँ जाओगी, इतने बड़े जहान में कहाँ भटकोगी, तुम जहां हो बहुत महफूज हो, बाहर तो भेड़ी है। मैं क्या करूं? बस इतना करो कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। अगर तुमने कुछ जुर्म नहीं किया तो मैं तुम्हें यहां रहने की इजाजत दिलवा दूंगी,
सर। हाँ, चोरी, कोई कत्ल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत मासूम हो, तुम कोई जुर्म कर ही नहीं सकती। देखा, नाराज कर दिया तुमने मेरी बेटी को। अब जब तक ये नहीं मान जाती ना, तुम तो मुझसे बात मत करना। हाँ, अरे ये इसको तो मैं चुटकी बजा के मना लूंगा। और ये कोई बदतमीज और बदमिजाज किस्म की लड़की थोड़ी है जो कोई बात दिल में रख के बैठेगी, है ना? मैं बदतमीज ही ठीक हूँ, और ये तुम्हारी बातें ना मुझे बहला नहीं सकती। चलो यार, बस भी करो, माफ कर दो, रोज रोज थोड़ी ऐसा होता है। चलो टिमी, क्या हो गया है अब, और कैसे कहे। चलो जाओ इसके साथ। मामा, मैंने आपको कह दिया ना, मैं नहीं जा रही हूँ, मीन्स मैं नहीं जा रही हूँ। खाओखा की जिद। तो भाई ठीक है, मैं तो अपनी बेटी के साथ हूँ बस। मैं भी। नो थैंक यू, ऐसा साथ नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ इंतजार ही इंतजार हो। तो यार मैं भी तो खड़ा हुआ सिर्फ इंतजार ही कर रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ चलो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, जहां बोलोगी वहां घुमा के लाऊंगा। चले जा रही है भाई टिमी, बस इतना ही होता है, किसी की बात रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, बट दिस इज द वेरी लास्ट टाइम कि मैं ये एक्सक्यूज मान रही हूँ, ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। ओके ठीक है, शुक्रिया, अब चलें। आइए एक मिनट। हाय, शुक्र है खुदा का, मान गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया। बोलो बोलो बेटा। पता नहीं कैसे वो गिरी और हाँ गिरी और मर गई, मगर जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया, वो तो बस ऐसे। कौन थी वो? मेरी आंटी, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे पाला। देखो बेटा, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पहले खुद को संभालो फिर मुझे बताओ कि बात क्या है। संभालो खुद को। अच्छा चुप हो, चुप हो जा। हो सकता है मास्टर ने ही उसको कहीं छुपा लिया हो और झूठ बोल रहा हो। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मुझे लगता कि वो झूठ बोल रहा है तो मैं सीधा थाने जाती। थाने तो अब भी जाना चाहिए, हो सकता है पुलिस को ही पता ही लगा ले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर थाने जाऊंगी भी तो उनके इतने सारे सवालों के जवाब कहां से लेकर आऊंगी। कौन से सवालों के? कुछ नहीं, बदनामी की बात है। जवान लड़की है, घर से भाग गई है, अब कहां कहां शर्मिंदा होंगी मैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर कहती हो तो यहीं रुक जाती हूँ रात, कल की तरह। नहीं, तुम जाओ, जाके आराम करो, मेरी तो तबीयत वैसे भी बदतर से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, जरूरत पड़े तो आवाज दे लेना। फरा, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी।
भाई साहब ने साफ साफ कह दिया वो तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर वो जाने और उनका काम। ये लोग पुलिस को बुलाने चले गए। भाई साहब अब क्या उसे पुलिस के हवाले कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस लड़की ने कत्ल किया है। वो भी यही कह रही है कि उसकी पड़ोसन ने कहा था कि उसकी आंटी मर गई और वो डर के भाग गई। हाँ तो सर, हादसाती तौर पर इसकी आंटी गिर गई और मुझे भी यही लग रहा है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। उसने अपने घर का पता बता दिया? कुछ बता तो रही थी लेकिन मैंने नोट नहीं किया। पता लो उससे और किसी को भेजकर मालूम करो कि इसकी आंटी का क्या बना। किसी को भेजने से बेहतर है कि मैं खुद वहां चली जाऊं। तुम क्यों? वो दरअसल भाई साहब अभी किसी को कुछ नहीं बताते जब तक कि असल बात का हमें पता ना चल जाए। मैं वहां जाके सारी मालूमात ले लूंगी कि आखिर हुआ क्या, फिर जो बात सामने आएगी आप उसके हिसाब से फैसला कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ख्याल रखो ये लड़की यहां से भाग ना पाए। मैंने उसके कमरे को लॉक कर दिया है, वो कहीं नहीं जा सकती। अच्छा मैं देखती हूँ। हेलो, कौन? जी मैं मंसूर बात कर रहा हूँ, वो आज दिन में मेरी मुलाकात। हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ पता चला है? अगर मुझे पता चल भी जाए तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? देखिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट भी ना। देखो अपने काम से काम रखो, और अगर फरहा के बारे में पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना, और ये कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर किसी और को देना, समझ गए तुम? आंटी मामा सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। तुम फिर फोन पे लग गए हो? आपके घर में फोन इस्तेमाल करने पे भी पाबंदी है। अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी दिखती हो वैसी लग रही हो। उफो, क्या हो गया, उसने नया जोड़ा पहना है, देखो तो सही, बताओ कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कट है, बहुत अच्छे कलर्स हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे बेटा ये लो प्लीज, ये पहन के दिखाओ ना मुझे। नो थैंक यू आंटी, मैं बाद में ट्राई कर लूंगी।
पागल हैं ये दोनों, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ही बेहतर है। वही है जिसे फराह ने भेजा होगा। अरे फराह ने